आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर वेबसाइट बनाकर हम पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब भी हम YouTube चैनल बनाने की सोचते हैं तो उसमें तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वीडियो बनाकर ही पैसे कमा सकते हैं। या तो आप उसमें फेस दिखाइएगा, और फेस नहीं दिखा सकते हैं तो आप बिना वीडियो के उसमें पैसे नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। पर वेबसाइट बनाकर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप वहां पर पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट किस तरीके की बना रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या फिर ब्लॉग वेबसाइट बना रहा है तो आप वहां पर लिखकर और आप यहां पर पैसे कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें फेस दिखाना अच्छा नहीं लगता है तो हम वहां पर आर्टिकल लिखकर और हम पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आपको पैसे कमाना है, वो चलिए मैं आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको होस्टिंग और आपको डोमेन परचेज करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो फ्री वाले पर जा सकते हैं और एक पेड वाले पर, ठीक है। पर मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ पेड और फ्री वाले में क्या अंतर होता है, वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। फ्री वाले में ये होता है कि आपको कुछ ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं के ही सहारे चलेंगे और उनसे ही आप अपनी पोस्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं और आप ज़्यादा हाई लेवल से एडिट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका जो ब्लॉग है वो पूरा का पूरा साफ कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर कोई भी डाटा फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। पर पेड वाली वेबसाइट में ये होता है जो भी डोमेन है वो आपका खुद का है और जो भी आपने होस्टिंग यहाँ पर परचेज कर रखी है वो आपकी खुद की है, क्योंकि आपने खुद से यहाँ पर परचेज कर रखी है। तो इसका मतलब है कि आपने दुकान और आपने यहाँ पर उस दुकान का नाम क्या है, ठीक है, वो आपकी खुद की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर वो चीज़ को परचेज करेंगे, ठीक है। तो परचेज करने के बाद आप उसमें अब ये चीज़ आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आप 10,000 में कर सकते हैं, मैंने तो 8,000 में परचेज की थी और 4 सालों के लिए, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं shankarblog.com, ठीक है। इस पर जाकर आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल लिखना, ये डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें मेनू वगैरह तो किस तरीके से सेटअप करना है, तो मैंने इस पर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, ठीक है। पर ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आखिर कितना खर्चा होगा और आखिर किस तरीके से वेबसाइट से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट बना लेंगे, तो ब्लॉग वेबसाइट में यह है कि आपने दुकान और भाई आपने डोमेन यानी कि दुकान का नेम और आपने दुकान तो यहाँ पर परचेज कर ली, पर उसके अंदर जो सामग्री है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर ला के रखना है। अब इसी तरीके से वेबसाइट में आपको वहाँ पर आर्टिकल लिखना है, जो भी चीज़ लिखेंगे वेब स्टोरी सही, ठीक है, बनाएंगे या फिर आर्टिकल लिखेंगे तभी वो आर्टिकल को लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो आर्टिकल एकदम अच्छे होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़े और उसे सही जानकारी समझ में आए, ठीक है। कहने का मतलब कई बार होता है कि कोई भी जानकारी होती है हम जो हमें पहले लिखना होती है हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, और बाद वाली पहले लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको स्टेप बाई स्टेप पूरी की पूरी यहाँ पर लिखना है ताकि कोई भी उस चीज़ को पढ़े और उसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वो जानकारी को समझ पाए, ठीक है। तब आपकी उस पर जो ऐड दिखाए जाएंगे, ठीक है, अब ऐड कब दिखाए जाएंगे, जब भी आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे और उस पर 40 से 50 आर्टिकल आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पर गूगल के लिए भेजना होगा कि अप्रूव्ड के लिए, ठीक है, वो गूगल इस चीज़ के लिए चेक करेगा कि आर्टिकल हैं वो सही लिखे हुए हैं कि नहीं है। आर्टिकल हैं आपके 700 वर्ड से लेकर 1000 के होना चाहिए, इससे कम के आर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसे लगता है कि हाँ आर्टिकल सही है, आपने कहीं से भी कॉपी नहीं की है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट पर ऐड लगा देगा, अप्रूव कर देगा। अब उसके बाद में जो ऐड है वो आपकी वेबसाइट पर देखने लगेंगे। अब कोई भी आपकी वेबसाइट पर जाएगा और आर्टिकल को पढ़ेगा, उसी के साथ में आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऐड कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी ऐड दिखाए जाएंगे तो उनसे कमाई होगी और वो कमाई है वो आपके अकाउंट में भेजे जाएगी। तो ये तो होता है कि आप वेबसाइट से पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, ये नहीं है कि आपके आर्टिकल लिखने के पैसे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जो आप आर्टिकल लिखेंगे उस पर जो ऐड दिखाए जाएंगे जिस भी कंपनी के होंगे तो वो कंपनी वाले यहाँ पर पैसे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो हम प्रमोटिंग के पैसे देते हैं, तो इसी तरीके से जो भी कंपनी वाले होते हैं वो ऐड यहाँ पर प्रमोट करवाते हैं, ठीक है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, दिखवाते हैं लोगों को, तो वो पैसे देते हैं, तो वो ऐड हमारी वेबसाइट पर या फिर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर दिखाई देंगे तो उसकी जो कमीशन है वो पैसे हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। और यही एक तरीका होता है कि वेबसाइट से आप पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट में और यूट्यूब में ये अंतर है कि आप वेबसाइट से जो पैसे कमाएंगे
अगर आप आर्टिकल एक दो दिन नहीं भी लिखते हैं तब भी उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने YouTube पर अपनी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, तो आपकी जो वीडियो का ग्राफ है, जो भी एनालिटिक्स है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ऐसे में जो आपकी चैनल की जो रैंक है वो यहाँ पर डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में आपके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है अपने चैनल को रैंक कराने में, ठीक है। पर वेबसाइट में ऐसा नहीं है। वेबसाइट में आप अगर एक मंथ यहाँ पर काम कर लेते हैं तो आप यहाँ पर एक मंथ के बाद वेबसाइट से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर यह है कि अब मोबाइल में हर कोई तो एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहा है, और इसी के साथ में उसके मोबाइल पे चैनल तो ज़रूर बना हुआ है, चाहे भले ही वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, पर वो चैनल बनाया हुआ है और उस पर भी वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो लगातार काम करने वाले को YouTube पर पैसा है, ठीक है, ये नहीं है कि आज काम कर लिया, एक मंथ काम कर लिया या फिर एक साल काम कर लिया तब बस पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और बस हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा इस पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप वेबसाइट पर भी आप अपनी वेबसाइट बनाकर वहाँ पर कंपनी की स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लिंक वगैरह लगा सकते हैं तो उनसे भी आप कमाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर कमाई कर सकते हैं। वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं तो उसकी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।